हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड दोस्तों, फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिक्स दैट रश की एक और एपिसोड में। और गाइस, अगर आपके पास भी कोई रश अकाउंट है या फिर कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें अपग्रेड करने के लिए बहुत कुछ बाकी है और आपका टाउन हॉल थोड़ा रश हो चुका है, तो कैसे आप फिक्स करेंगे अपने अकाउंट को, ये मेरे सीरीज को फॉलो करके आप कर सकते हैं। ऊपर प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप जरूर चेक कीजिएगा। तो गाइस, चलिए आज देखते हैं कि क्या सीन है हमारे यहाँ पे। आप देख सकते हैं दो बिल्डर्स मेरे फ्री है, दो बिल्डर्स बिजी है। एक बिल्डर बैरक अपग्रेड कर रहा है और एक बिल्डर डार्क बैरक अपग्रेड कर रहा है, जो कि दो दिन और एक दिन टाइम लगने वाला है। तो हमारे पास अभी क्या सीन है, हमारे पास गोल्ड एलिक्सिर और डार्क एलिक्सिर सभी है थोड़े थोड़े। तो हमारी जो एम है गाइस आज की, वो मैं क्या करने वाला हूँ एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। मैं एक बिल्डर को बिजी करने वाला हूं यहां पे बैरक्स में, जहां पे मैं बेबी ड्रैगन अनलॉक करूंगा, और एक बिल्डर मैं बिजी करूंगा हीरो को, हो सकता है क्वीन या फिर किंग, दोनों में से किसी एक को मैं बिजी करूंगा यहां पर। तो चलिए थोड़ा लूट और ज्यादा गेन करते हैं और फटाफट चलते हैं अटैक में और देखते हैं ज्यादा से ज्यादा हम लोग लूट कर पाते हैं। प्राइमरी फोकस मेरी हमेशा रहती है एलिक्सिर, उसके साथ थोड़ा डार्क मिल जाए तो बहुत बढ़िया, पर गोल्ड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर जितना मिले उतना बढ़िया है, ठीक है। तो आपकी एम हमेशा रहनी चाहिए एलिक्सिर, जब भी आप कोई भी रश अकाउंट फिक्स करना चाहेंगे तो। तो चलिए देखते हैं कब तक एक अच्छा एलिक्सिर का जो लूट है वो मिलता है हमें, या फिर डार्क का लूट भी मिले तो बढ़िया है, क्योंकि दोनों अगर एक साथ मिलता है तो वो बहुत बड़ी बूस्ट हो जाती है आपके कोई भी अटैक के लिए। तो चलिए अभी तो फिलहाल मैं सर्च कर रहा हूँ, देखता हूँ कब तक एक अच्छा लूट मिलता है। वैसे इंजीनियरिंग अकाउंट्स में या फिर रश अकाउंट्स में मैंने ऑलवेज एक चीज़ नोटिस करी है कि लूट कंपेरेटिवली जल्दी मिल जाते हैं मैक्स बेसिस के खिलाफ से जैसे होते हैं, पर पता नहीं ये मेरे से होता है या फिर आप लोगों के साथ भी होता है। प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना गाइस कि क्या आप लोगों के साथ भी यही होता है कि इंजीनियरिंग अकाउंट्स में या फिर रश अकाउंट्स में लूट जल्दी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक लूट अमाउंट मिला है हमें, पर अकाउंट जो है वो टाउन हॉल 11 का है, पर फिर भी मैं अटैक करना चाहूँगा क्योंकि कलेक्टर लूट बहुत सारा है। तो मेरे ख्याल से हम अगर हम लोग इतना सक्सेसफुल ना भी हुए तो भी हमें अच्छा खासा लूट मिल सकता है यहाँ से। तो चलिए मैं शुरू करना चाहूँगा ये वाली पोर्शन से। तो यहाँ से मैं सारे बलून्स को स्पैम करूँगा, वेरी गुड। यहाँ पे एक लावा, यहाँ एक लावा, क्लैन कासल के बलून्स यहाँ पर, और मिनियंस को मैं डिप्लॉय कर दूंगा यहाँ पर। देखते हैं कितना मिल पाता है, जितना ज़्यादा मिले उतना बढ़िया, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पर पता नहीं अभी कितना मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पे एक रेज, यहाँ पर एक रेज, बलून्स बहुत ज़्यादा भटक गए हैं तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है हमारे लिए। क्वीन को मैं यहाँ पर पॉइजन करना चाहूँगा, ओहो हो प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा अटैक में। चलिए देखते हैं कितना लंबा खिंचता है ये अटैक और कितना लूट हमें मिल पाता है। यहाँ पे इन्फर्नो निकल जाता तो अच्छी बात होती, पर नहीं निकल पाया। तो अब कहाँ से हम लोग ज़्यादा लूट कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्टर से थोड़ा अच्छा खासा लूट मिलेगा हमें। तो मेरे पास किंग एंड क्वीन है जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉप करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कलेक्टर लूट मिल जाएगा वो एलिक्सिर का, और हमारी जो प्राइमरी फोकस है वो एलिक्सिर हमेशा है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे मैं किंग की एबिलिटी यूज़ कर लेता हूँ, क्वीन की एबिलिटी भी यूज़ कर लेता हूँ, ताकि फटाफट हमें यहाँ पे और थोड़ा सा एलिक्सिर मिल जाए। तो अच्छा खासा एलिक्सिर मिल गया हमें यहाँ पे, तो एंड बैटल कर देते हैं और ज़्यादा परेशानी के लिए कोई बात नहीं है। तो 3,94,000 मतलब ऑलमोस्ट 4 लाख के आसपास मिल गई है हमें एलिक्सिर, और बोनस के साथ ये और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा गए हम लोग। तो चलिए एक अटैक और करेंगे और उस अटैक के बाद आई गेस हमारी जो एम है वो पूरी हो जाएगी, लूट अच्छी खासी हो जाएगी, ताकि हम लोग अपने अपग्रेड जो है वो कर पाएँ। तो अभी तो आर्मी बनने में थोड़ा टाइम लगना है, तो मैं काम करूँगा, मैं थोड़ी जिम कर लूँगा। वैसे भी जिम हमें मिलने वाला है, हम लोग 3000 ट्रॉफीज़ पहुंच चुके हैं, और जैसे 3400 ट्रॉफीज़ मतलब चैंपियन लीग रीच कर जाएंगे, वैसे ही हमें और 2000 जिम मिल जाएंगे, जिसके मदद से हम लोग फटाफट अपना जो फिफ्थ बिल्डर है उसे अनलॉक कर पाएंगे। तो थोड़े जिम्स मुझे और यूज़ करने पड़ेंगे आई गेस किंग के ऊपर। यहाँ पे जिम यूज़ करेंगे हम लोग, कितने जिम्स यूज़ करने पड़ेंगे, 14 जिम्स, ज़्यादा नहीं है, चलता है। और यहाँ पे हमें थोड़ा और जिम्स यूज़ करके हमें यहाँ पे बलून्स रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा जिम्स यूज़ करने का, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप डिले नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जिम्स यूज़ कर रहा हूँ। आप जब अटैक करेंगे तो आराम से कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कब तक सीसी के बलून्स मिलते हैं। मिल गए, बहुत जल्दी मिल गए, और एक हेस्ट पिल वो भी मिल गया, थैंक्स टू राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई देने के लिए मेरे को थोड़े बलून्स वगैरह वगैरह। तो चलिए फिर से एक अटैक में चलेंगे, और प्राइमरी फोकस फिर से वही रहेगी कि 4 लाख के आसपास हमें एलिक्सिर लूट चाहिए। डार्क जितना मिले उतना बढ़िया, पर डार्क की कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा एलिक्सिर के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कब तक एक अच्छा एलिक्सिर लूट मिल जाता है, क्योंकि अब लीग धीरे धीरे बढ़ रहा है तो लूट मिलना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो हमारी एम क्या है मैं आपको बता देता हूँ, मेरी एम है कि मैं चैंपियन तक रीच करूँ, वहाँ का जो जिम है उसे कलेक्ट करके मैं फिर से लीग ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि नीचे के लीग में बहुत इजी लूट मिलते हैं और बहुत ज़्यादा लूट मिलते हैं, तो मैं नीचे ही रहना चाहूँगा। पर अभी फ़िलहाल हमारी एम है 2000 जिम्स जो चैंपियन लीग का मिलता है, क्योंकि हमें फिफ्थ बिल्डर जो है वो अनलॉक करना पड़ेगा, ताकि हमारे अपग्रेड्स फटाफट आगे बढ़ें।
अब देखते हैं कब तक एलिक्सिर का जो लूट है वो मिलता है हमें, उसके बाद मैं अटैक करूंगा और अपग्रेड्स हमारे जो हैं वो मैं डाल दूंगा। तो यहाँ पे हमें मिल चुका है 3,45,000 एलिक्सिर, जो कि ठीक ठाक है क्योंकि बोनस भी हमें मिलेगा 1,00,000 के ऊपर। तो यहाँ पे सारा जो एलिक्सिर है वो इस तरफ से है, तो मैं इसी साइड से अटैक करूंगा। तो यहाँ से मैं अपने सारे बलून्स को स्पैम कर देता हूँ, वेरी गुड। यहाँ पे एक लावा, यहाँ एक लावा, सीसी के बलून्स यहाँ पर, सारे मिनियंस, चलिए बहुत सही जा रहे हैं हम लोग। एक हेस्ट पल यहाँ, एक हेस्ट पल यहाँ, और लास्ट वाला हेस्ट पल यहाँ। क्वीन को पॉइजन करते हैं, पहला रेज यहाँ, दूसरा रेज यहाँ पर। चलिए अभी तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, डेड टाउन हॉल 11 है तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली कोई बात है नहीं, पर फिर भी देखते हैं कि कितना दूर जा पाते हैं हम लोग इस अटैक में। यहाँ पे एक फाइनल रेज जो है मेरे पास वो मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा, तो देखते हैं अब क्या होता है, कितना स्टार हो पाता है या फिर कितना लूट मिल पाता है। मेरे ख्याल से 3 स्टार हो जाएगा, जैसे कि अटैक चल रहा है मेरे को लग रहा है कि 3 स्टार हो जाना चाहिए, पर फिर भी देखते हैं कि कितना दूर तक हम लोग पहुँच पाते हैं। हाँ भाई, ईजिली 3 स्टार हो गया ये वाला बेस, तो काफ़ी अच्छी रही अटैक। मैं यहाँ पे अपने हीरोज़ ड्रॉप कर देता हूँ ताकि बाकी जो क्लीन अप प्रोसेस है वो मेरे हीरोज़ फटाफट कर दें एंड अटैक जो है वो 100% हो जाए जल्द से जल्द। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपकी प्राइमरी फोकस हमेशा एलिक्सिर रहेगी जब भी आप रश अकाउंट को फिक्स करेंगे, क्योंकि आपका जो देखिए आर्मी कैंप्स, बैरक्स, आपके ट्रूप्स जो आप यूज़ करेंगे मल्टीप्लेयर में, सब कुछ एलिक्सिर से ही चलता है। तो आपको एलिक्सिर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और आप जब एलिक्सिर के ऊपर फोकस करेंगे तो साइड में आपका गोल्ड और डार्क एलिक्सिर आपके ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आपको उसमें कोई ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमेशा एलिक्सिर के पीछे भागना, बाकी सारी चीज़ें झक मार के पीछे आएगी गाइज। तो यहाँ पे अभी फिलहाल अटैक जो है 3 स्टार हो जाएगा, थोड़ी टाइम की इशू तो है नहीं, पर थोड़ा टाइम लग रहा है, पर फिर भी हम थोड़ा वेट करेंगे और 3 स्टार करने के बाद हम वहाँ पे बैक करेंगे एंड अपनी जो अपग्रेड्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्दी फटाफट बलून्स आके यहाँ पे टाउन हॉल को ग्रैब करें ताकि हमारा जो अटैक है वो कंप्लीट हो जाए। जल्दी करो मिनियंस, मिनियंस बड़े स्लो हैं क्योंकि लेवल 2 के हैं, तो इन्हें भी अपग्रेड करने पड़ेंगे मेरे को, वो जल्दी करूँगा मैं, बहुत जल्द करूँगा। तो चलिए यहाँ पे हो गया अटैक कंप्लीट, और वापस आते हैं एंड अपनी अपग्रेड जो हैं वो यहाँ पे लगा देते हैं। तो 2 बिल्डर्स यहाँ पे, पहला बिल्डर गया यहाँ पे, ये रहा। अब थोड़े गोल्ड है मेरे पास जिनसे मैं थोड़े वॉल्स को अपग्रेड करना चाहूँगा, तो एक काम करते हैं यहाँ पे एक पीस निकाल देते हैं और यहाँ का एक पीस भी, एक पीस इधर कर देते हैं, चलो इधर कर देते हैं, एंड ये बीच का जो लेयर है उसे हम लोग अपग्रेड कर लेंगे। ओ, इतना गोल्ड है नहीं, तो एक पीस को शायद और हटाना पड़ेगा, तो शायद से हो जाएगा। अब चेक करके देखते हैं, हाँ अब हो रहा है। तो चलिए वॉल्स को भी हमने अपग्रेड कर लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब चलिए हम लोग फाइनली क्वीन को, मेरे ख्याल से क्वीन को अपग्रेड करना चाहिए 39,000 डार्क एलिक्सिर। तो गाइज बस इस वाली वीडियो में इतना ही था, सारे अपग्रेड्स मैंने डाल दिए हैं, सारे बिल्डर्स को बिजी कर दिए हैं। अब नेक्स्ट बिल्डर फ्री होने वाले हैं 1 और 2 डेज में, तो नेक्स्ट एपिसोड आपको 2 दिन के बाद मिलेगी। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया गाइज स्टे ट्यून करने के लिए, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ऐसे और ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए, और मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अच्छे रहें एंड एज यूजुअल, जय हिंद।